दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आज हम जरूर बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप करके महीना में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से मशीन खरीदना होगा, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, ये मशीन कहाँ से खरीदेंगे, इसका ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे, इसका मार्केटिंग कहाँ करेंगे, ये प्रोडक्ट जब तैयार करेंगे तो ये सब पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बताएंगे। इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, सब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नए बिजनेस आइडिया की। आज का हमारा टॉपिक है वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसका सीधा मतलब है कि कील बनाने के बिजनेस। आज हम बात करने वाले हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, क्या मशीनरी चाहिए इस बिजनेस में, क्या प्रोसेस है इस बिजनेस का, और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी मार्केट कैप्चरिंग पावर कितनी है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से हमारा मतलब है कील बनाने के बिजनेस से है। अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर हर छोटे मोटे घरेलू तथा व्यवसायिक काम में कीलों की उपयोग किया जाता है। उपयोग की बात करें तो सबसे ज्यादा उपयोग कीलों का बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन और जहां फर्नीचर बनाने का काम होता है वहां जरूरत पड़ती है। देश में किसी भी हार्डवेयर स्टोर में कील आसानी से उपलब्ध है, इसलिए कीलों को हम एक ऐसा हार्डवेयर की संज्ञा देते हैं जिसका बिल्डिंग बनाने और पैकेजिंग, बॉक्सिंग इत्यादि बनाने में उपयोग किया जाता है। इस बिजनेस में सबसे खास बात है कीलों का उपयोग मौसम या क्षेत्र पर आधारित नहीं है, बल्कि सच तो यह है कीलों का उपयोग समाज का हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर मौसम में किया जाता है। अब हम बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल ऑफ नेल मैन्युफैक्चरिंग, या कह लो मार्केट में इसकी पोटेंशियल क्या है या पावर क्या है इस कील बनाने वाले बिजनेस की। कील का उपयोग अधिकतर नए बिल्डिंग या निर्माण और इनके पुनर्निर्माण में किया जाता है, और चूंकि इंडिया में जनसंख्या बढ़ने के कारण हर वर्ष लोगों को रहने एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में नई बिल्डिंग का निर्माण होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बढ़ते हुए क्षेत्र को देखते हुए आसार लगाए जा सकते हैं कि भविष्य में नेल यानी कि कील की बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता हो सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक इंडिया में जहां सन 2008 में कीलों की मांग 19,881 टन प्रोजेक्ट थी, वहीं 2017 में यह बढ़कर लगभग दो गुनी हो गई है, यह हो गई है 31,940 टन। जनाधिक्य और लोगों की आवश्यकता अटैच होने के कारण वायर नेल मार्केट में हमेशा डिमांड में बनी रहती है, और मार्केटिंग की दृष्टि से वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वह यह है कि अंतिम उपयोगकर्ता जिसके द्वारा कीलों का उपयोग किया जाता है इनकी ब्रांडिंग पर कोई खास ध्यान नहीं देते, अर्थात जिस भी कंपनी की कील स्थानीय बाजार में उपलब्ध होती है उन्हीं को खरीद लेते हैं। यही कारण है कि कोई भी नया उद्यमी इस बिजनेस को स्टार्ट करके स्थानीय बाजार में उपलब्ध हार्डवेयर स्टोर पे अपना उत्पाद बेचकर कमाई कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मशीनरी और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर वायर नेल, या कह लीजिए क्या क्या जरूरतें हैं हमारी मशीनरी, रॉ मटेरियल इस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कीलों का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कई प्रकार की मशीनरी का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर आता है स्वचालित कील बनाने की मशीनरी, या कह लीजिए ऑटोमेटिक वायर नेल मेकिंग मशीन, कीलों की पॉलिश करने का ड्रम, नेल पॉलिश बैरल या ड्रम कह लीजिए, विभिन्न आकार की डाई जो कील बनाने की डाई होती है वो, ग्राइंडर एवं कटर, वायर स्टैंड और हाथ से चलने वाले अन्य उपकरण जैसे कि हथौड़ा हो गया, काटने के उपकरण हो गए जो नॉर्मल आज की डेट में इंडिया में यूज किए जाते हैं हाथों से काम करने वाले वो। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। 8 से 20
गज की कोल्ड ड्रॉन ब्राइट वायर, पॉलिश करने का मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, पुरानी थैलियां भी हो सकती है पैकेजिंग मटेरियल में। पैकेजिंग मटेरियल में खर्चा करने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि ये ज्यादातर खुले में ही बिकता है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। कील बनाने अर्थात वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोल्ड ड्रॉन ब्राइट तार का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की तार विभिन्न विभिन्न गेज में 8 SWG से लेकर 30 या 30 SWG बाजार में उपलब्ध है। इन तारों को बाजार में आकर गोल बंडल में देखा जा सकता है। इसमें तार के एक सिरे से टूल स्टैंड पर फिक्स किया जाता है और दूसरे सिरे को तार को सीधा करने के उद्देश्य से तार के सीधे करने वाले रोलर में रखा जाता है। यह प्रक्रिया करने के बाद तार यानी कि वायर ही नेल मेकिंग मशीन की ओर बढ़ता है। तार को आगे की ओर खींचने के लिए रोलर के बाद एक ग्रिप लगी होती है और यह ग्रिप केवल उतनी ही तार आगे खींचती है जितनी की आवश्यकता होती है या जरूरत होती है। कील के सिरे को मोल्ड रैम में रखा जाता है और इसे क्रैंक शॉट के माध्यम से आगे और पीछे की ओर धकेला जाता है। कील के आगे वाले सिरे को पूरी मजबूती के साथ हेड मेकिंग मोल्ड की मदद से पंच किया जाता है। इसके बाद मोल्ड द्वारा तार को अच्छी तरह से दबा लिया जाता है जिससे तार की कीले अलग हो जाती है। इसके बावजूद भी वायर नेल को कुछ भाग तार के साथ जुड़ा रहता है। इसको अलग करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रिगर की मदद ली जाती है। जब कीले मशीन से बाहर आती है तो इसमें लोहे की बहुत छोटे छोटे टुकड़े एवं ग्रिज लगा हुआ होता है। यह सब दूर करने के लिए इन्हें पॉलिश ड्रम में रखा जाता है। वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पॉलिश प्रोसेस पुनः होने के बाद कीलों को पैकेजिंग करके स्थायी हार्डवेयर स्टोर में बेचा कर अपनी कमाई की जाती है। दोस्तों, इस बिजनेस की एक और खास बात यह है कि इसके अंदर आपको ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर कामें ऑटोमेटिक मशीनें कर देती है और ये मशीनें काफी कॉस्टली नहीं आती, एक नॉर्मल दाम पे आती है, जैसे कि नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग आती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।